जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकन को तो जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बनकर या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर दोनों ही तरीके से और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं भारत की सबसे निकम्मी सरकार किसकी है इसका जवाब आप सबके पास मौजूद है ही इन लोगों ने पूरे मुल्क का भट्टा बैठा दिया है राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 30 लाख करोड़ का शेयर बाजार का घोटाला किया है वहीं तमाम जानकारों का मानना है कि अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों मुल्क की सरहदों और सरहदों के अंदर हिफाजत करने में नाकाम रहे हैं अभी कश्मीर में चार आतंकी हमले हुए हैं तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दंगे हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान जिन्हें एजुकेशन की जिम्मेदारी मिली नीट घोटाले को चुनाव नतीजे वाले रोज ही अंजाम दिया गया चौबीस लाख स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद करने वाले ये मिनिस्टर एजुकेशन पर कलंक है अश्विनी वैष्णव मोदी के रेल मंत्री यानी रेल मंत्री जिन्हें रेलवे पैसेंजर्स की हिफाजत के अलावा सारा काम आता है जिसमें रेल एक्सीडेंट इनकी खासियत है कुल मिलाकर इस नई सरकार का आगाज ही बर्बादी घोटाला

We are not going to keep quiet on the EVM because we have defeated the BJP. We believe that in a democracy like India, if even one voter has a doubt on his or her vote, we need to address that concern. And we will take this discussion, we will take these discrepancies, we will take this discussion to its very, very logical end. दोस्तों ईवीएम और एलन मस्क पर लौटेंगे लेकिन उससे पहले सियासत को आईना दिखा दिया जाए पंडित नेहरू की कैबिनेट में लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री हुआ करते थे 1957 में आंध्र प्रदेश में एक बड़ा रेल हादसा हो गया जिसमें 112 लोगों की मौत हो गई थी शास्त्री जी ने जिम्मेदारी लेते हुए मोरालिटी के बेस पर इस्तीफा दे दिया हालांकि तीस सांसदों ने प्रधानमंत्री नेहरू से रिक्वेस्ट किया कि शास्त्री जी का इस्तीफा एक्सेप्ट ना किया जाए उनकी जवाबदेही की सबने तारीफ करी और नेहरू ने उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए मना लिया फिर 1999 में असम में एक बड़ा रेल हादसा हुआ दो लोगों की मौत हुई थी रेल मंत्री नीतीश कुमार ने मोरालिटी के बेस पर इस्तीफा दे दिया सन 2000 में दो रेल हादसे के बाद रेल मंत्री ममता बनर्जी ने भी इस्तीफा दिया था लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया था अब जिम्मेदारी और मोरालिटी वाली यह सियासत देखने को तो मिलती ही नहीं है बल्कि यू कहें कि आजकल मिनिस्टर्स अपने महकमों को बर्बाद करके बेशर्मी से रील बनाते पाए जाते हैं खैर अब एलोन मस्क और ईवीएम पर लौटते हैं तो दोस्तों एलन मस्क ने ईवीएम हैक की बात करके भारत की डेमोक्रेसी को चुराने के कयासों को पुख्ता करने का काम किया है आज की तारीख में टेक्नोलॉजी पर एलन मस्क की बात पत्थर की लकीर जैसी है इस वक्त एलन मस्क को नकार कर, सरकार एक बहुत बड़े खतरे को मोल ले रही है क्योंकि अभी तीन चार दिन पहले एलन मस्क को नकारते हुए भारत सरकार ने रिलायंस को सैटेलाइट इंटरनेट की इजाजत दे दी है आप लोग को याद ही होगा कि खत्म हुए इन चुनाव के पहले एलन मस्क को भारत आकर मोदी से मिलना भी था पर मोदी से मिलने एलन मस्क भारत नहीं आए मुमकिन है नरेंद्र मोदी पर अंबानी का दबाव हो ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों एलन मस्क जो कि दुनिया की सरकारों से ज्यादा अमीर हैं, उसका भारत सरकार को निशाने पर रखकर कोई भी बयान हवा में दिया हुआ नहीं हो सकता है एलन मस्क जैसे कारोबारी के पास बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पोल पट्टी रहती है इसीलिए यह मानकर चलने में कोई बड़ी बात नहीं है कि एलन मस्क के पास ईवीएम और दूसरी गड़बड़ी के बहुत सारे सबूत हो सकते हैं कुछ जानकारों का मानना है कि अभी तो एलन मस्क ने सिर्फ गुजारिश करी है कि मैं आपका नुकसान करना नहीं चाहता हूं पर अगर मेरे कारोबार को बढ़ने से आपने रोक लगाई तो मैं आपकी दुकान भी बंद करवा सकता हूं दोस्तों एलन मस्क के बयान ने भारत में ईवीएम की गड़बड़ी वाले मुद्दे को भारत के घर घर और पूरी दुनिया में फैला दिया है सरकार की क्रेडिबिलिटी को जबरदस्त धक्का लगा है शायद ये मोदी सरकार पर पहला सॉफ्ट हमला था और अगर एलन मस्क के साथ ठीक से लेन देन का गेम नहीं हुआ तो ईवीएम से बहुत बड़ा कुछ सामने आ सकता है क्योंकि सियासी तमाशे के तहत जो आने वाला होता है वो बताया नहीं जाता है बस इशारा किया जाता है कॉरपोरेट दलाली की सरकार को कॉरपोरेट ही फंसाएंगे खैर कल के रेल हादसे के बाद बीजेपी की सत्ता ने टीवी चैनलों को बता दिया है कि वो इस मुद्दे पर बहस में किसी को नहीं भेजेंगे नतीजा ये रहा कि बहस प्रियंका गांधी पर सिमट गई और सत्ता ने मालगाड़ी के डेड लोको ड्राइवर पर जिम्मेदारी डाल दी रील कहे या रेल मंत्री साहब हादसे की जगह पर गए पर किसी ने उनसे सवाल नहीं किया कि रेल सिक्योरिटी के पौने दो लाख पद क्यों खाली पड़े हैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा है सवाल पूछे जाएंगे तो सत्ता सोसाइटी और फैमिलीज़ की नींव हिल जाएगी बात वजूद और पहचान तक पहुंचेगी चूड़ियों और निशानियों पर तंज होंगे और कई नामचीन रिश्ते ढह जाएंगे लिहाजा हर कंट्रोवर्शियल मुद्दे को दबा देने में ही भला है नहीं तो कोबर आएगा तीन गुना ज्यादा भाड़ा देकर ट्रेन में सवार होने के बाद सेल्फी और खाने की मीन मेख निकालते कभी सोचा होता कि मंजिल तक हिफाजत से पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है दरअसल सत्ता चाहे गांव के दबंगों की हो या धर्म की आड़ में पाखंड फैलाने वाले इंटेलेक्चुअल्स की बिना सवाल के उनकी गुलामी सोसाइटी का फर्ज रहा है सत्ता चाहती है कि आप वंदे भारत में ही सफर करें उसमें कवच लगा हुआ है मरना है तो नॉर्मल गाड़ियों में चले कोई नहीं पूछेगा वहीं दूसरी तरफ अलग लेवल का सियासी तमाशा चल रहा है पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत और संघ के माउथ पीस ऑर्गेनाइजर के बाद अब एक और बड़े आरएसएस नेता ने बीजेपी पर हमला किया है देख ऐसा रहा है कि जैसे बीजेपी संघ के निशाने पर है संघ से जुड़े लोगों के एक के बाद एक बयान बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं पहले मोहन भागवत ने एरोगेंस यानी घमंड को लेकर नसीहत दी थी फिर संघ के अखबार में बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस के लिए बीजेपी नेताओं के ओवर कॉन्फिडेंस को वजह बताया गया है और अब आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने हाल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस के लिए गुरूर को जिम्मेदार ठहराया है जयपुर के पास कनौता में एक प्रोग्राम में इंद्रेश कुमार ने कहा कि जो लोग भगवान राम की भक्ति करते थे वो धीरे धीरे अहंकारी हो गए उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया गया था लेकिन अहंकार के चलते भगवान राम ने उन्हें 241 पर रोक दिया दोस्तों इंद्रेश कुमार की यह टिप्पणी आरएसएस चीफ मोहन भागवत के हाल के बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सच्चा सेवक पोलाइट होता है और लोगों की डिग्निटी के साथ सेवा करता है और उसमें घमंड नहीं होता है वो दूसरों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना काम करता है इलेक्शन कैंपेन को लेकर मोहन भागवत ने कहा कि चुनाव के दौरान मर्यादा नहीं रखी गई खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश में झूठ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था जरा सोचिए दोस्तों ये झूठ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ये बात आर एस एस के चीफ के मुंह से निकल रही है इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ है भाई आप सबको पता ही है मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ जय हिंद सत्य जयते अल्लाह हाफिज दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट एकदम टाइम पर मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर दोनों ही तरीके से और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर मेरा ट्विटर हैंडल है एट द रेट ऑफ अर्शी अजीज खान थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में